वीडियो में दिखाए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करने से पहले ध्यान रखें, यह नंबर टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेने के लिए उपलब्ध है। आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके शुल्क पता कर सकते हैं। अपनी जन्म कुंडली, हस्तरेखा व प्रश्न कुंडली का विश्लेषण कराने हेतु इस नंबर पर संपर्क करें। दोस्तों नमस्कार, धनु राशि फल फरवरी 2020। धनु राशि के जातकों के लिए कैसा जाएगा फरवरी का महीना, आइए जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जान लेते हैं ग्रह स्थिति कैसी रहेगी धनु राशि के जातकों के लिए फरवरी के महीने में। चंद्रमा आपके धनु राशि में गोचर करेंगे। धनु राशि में ही गुरु और केतु गुरु स्वराशि के होकर गोचर कर रहे हैं और मंगल का भी परिवर्तन योग होगा। मंगल वृश्चिक राशि से निकल करके धनु राशि में प्रवेश करेंगे 7 फरवरी को और मकर राशि में सूर्य और शनि विराजमान रहेंगे। सूर्य का भी राशि परिवर्तन होगा इस महीने में, तो 13 फरवरी को मकर राशि से सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वही कुंभ राशि में सूर्य बुध और शुक्र रहेंगे। शुक्र की स्थिति भी राशि परिवर्तन की होगी और 2 फरवरी को ये शुक्र भी कुंभ से निकल करके मीन राशि अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे। वही राहु मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। ये थी आपकी ग्रह स्थिति। अब इसी ग्रह स्थिति के आधार पर जानेंगे आपका राशिफल, फरवरी का राशिफल। आपको बता दें कि ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने नाम राशि के अनुसार भी इस राशिफल को आप देख व सुन सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं राशिफल में, तो आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, जिससे आगे आने वाली आपको वीडियो आसानी से मिलती रहें। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और ग्रह स्थितियों के आधार पर बताते हैं आपके स्वास्थ्य का हाल कैसा रहने वाला है। स्वास्थ्य संबंधी कुछ छोटी मोटी दिक्कतें आपको देखने को मिलेंगी। बाहर का खाना आपको रोग इत्यादि में डाल सकता है। बाहर का खाना खाना अगर चाहते हैं तो बिल्कुल मत खाइए इस महीने। छोटे से छोटे चीज़ बाहर की मत खाइए। अगर बाहर की आप थोड़ी भी चीज़ खाते हैं तो उसी से आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। बाहर की चीज़ें खाने से बचिए तो स्वास्थ्य में कोई कमी दिक्कत नहीं आएगी। बाहर की हवा लेने से आपका मन बहुत ही अच्छा होगा। ज़्यादातर खुले वातावरण में घूमने की कोशिश कीजिए, एक ऑफिस तक सीमित न रहिए। इससे आपका स्वास्थ्य बेहद सुंदर और स्वस्थ बना रहेगा। अब आगे बात कर लेते हैं आपके कुटुंबीजनों की, तो कुटुंब का सहयोग आपको भरपूर मिलेगा। कुटुंब का सहयोग मिलने के साथ साथ आपको सही मार्गदर्शन भी मिलेगा। आपके अधिकारी जन, आपके श्रेष्ठ जन, आपके क्षेत्र में उच्च व सीनियर पदाधिकारी आपकी मदद करेंगे। ऐसी स्थिति में आपके छोटे भाई बहनों और छोटे सहयोगियों की भी आपको भरपूर मदद मिलेगी। वही आपकी माता के स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत आ सकती है, तो माता के स्वास्थ्य का भी खूब ख्याल रखिए। बात करें विद्यार्थी शिक्षार्थियों की, तो विद्या अध्ययन में रुचि बढ़ेगी, आपके नए नए कार्य करने की रुचि बढ़ेगी। वही कुछ भटकाव करवाने वाले लोग भी आपके इस फरवरी के महीने में आपको टकराते रहेंगे, उनको साइड लगाते चलते हैं। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते चलिए, बहुत ही अच्छा रहेगा पढ़ाई के लिए। प्रतियोगिताओं की अगर सफलता पाना चाहते हैं आप, तो आपको थोड़ी प्रतियोगिता के लिए मेहनत और कड़ी करनी पड़ेगी। मेहनत में कुछ कमी ना रह जाए, क्योंकि ये मुकाबला जो आप प्रतियोगिता इंटरव्यू या किसी भी प्रकार से आप अपने क्षेत्र में अच्छा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ी और मेहनत की आवश्यकता पड़ने वाली है। वही आपको कहीं से अगर आप ऋण लेना चाहते थे और अभी तक नहीं मिल पा रहा था, तो ये महीना आपको ऋण दिला सकता है, कर्जा दिला सकता है। आप इस कर्ज से अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा समय है, व्यापार आपके लिए लाभकारी रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी आपको बता ही चुके हैं और वही आपके दाम्पत्य जीवन में भी स्वास्थ्य की कुछ दिक्कतें आएंगी। आप दंपति, आप अपने पार्टनर को भी देखिए, तो पार्टनर के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसकी भी बहुत ही ख्याल रखिए। और इससे आपको प्रेम बढ़ेगा, अपने प्रेमी का साथ दीजिए और दाम्पत्य जीवन में आपकी मधुरता बनी रहे, इसके लिए उसकी जितनी हो सके केयर कीजिए। वही बात करें आपके व्यापारिक पार्टनर की, तो व्यापार में भी जो पार्टनर है आपको, उसका भी आप खूब ख्याल रखिए, क्योंकि उसका ख्याल रखने से ही वो आपका व्यापार बहुत ही अच्छे से, क्योंकि आपकी पार्टनरशिप है
तो आपका कोई भी व्यापार बिगड़े ना, इसलिए उससे बहुत ही बनाकर चलने की आवश्यकता है। उसके हर बात में उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलानी है, सोच समझ करके अपनी बात भी उसे रखनी है और उसकी बात भी आपको सुननी है। जो भी फैसला लेना है सोच समझ कर लेना है अपने, वो भी पार्टनरशिप के व्यापार में, ये आपके लिए लाभकारी है। भाग्य का साथ आपको मिलेगा अचानक से धन लाभ और व्यवसाय में वृद्धि की और व्यवसाय में दल बदल इत्यादि की संभावनाएं भी बनती हैं और कई नए तरह के व्यापार करने की भी आपकी चाहत बढ़ती चली जाएगी। वही कार्य क्षेत्र में उन्नति तो आपकी होनी निश्चित ही है, धन लाभ के संयोग भी आपके बने जा रहे हैं, भाग्य का साथ मिलने वाला है, आध्यात्मिक उन्नति भी आपकी बढ़ने वाली है। वही थोड़ा खर्चा अधिक होने से आपकी परेशानियाँ बढ़ना संभवतः देखा जा सकता है। आशा करते हैं आपको राशिफल पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लव राशिफल देखने के लिए आगे हम आपको लव राशिफल फरवरी का प्रोवाइड कराएंगे, तो उससे देखने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करके उनसे भी कहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, जिससे हम आपकी फ्री जन्म कुंडली अध्ययन में आगे चलकर मदद कर सकें। धन्यवाद।